हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री में आज हमारा टॉपिक होगा फ्रांस की क्रांति के बारे में। इससे पहले हम इस फ्रांस की क्रांति के बारे में कई जो लेक्चर है वो अपलोड कर चुके हैं। हमने पिछले लेक्चर में अध्ययन किया था कि जो फ्रांस का सम्राट है वो भागने का प्रयास करता है और उनको पकड़ लिया जाता है और पकड़ के वापस महलों में बंद कर दिया जाता है। इस बंद करने के बाद उनकी जो विश्वास था, उनके प्रति जो सम्मान था, वो सम्मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और उस सम्मान कम होने के साथ ही सम्राट की जो प्रतिष्ठा है उसको बड़ा आघात पहुंचता है। लेकिन फ्रांस की जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि फ्रांस अपनी प्रतिष्ठा पूर्व में ही खो चुका था। अब यहाँ से नई विधानसभा के गठन की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, शुरू होती है। तो आप लोगों को डालना है नई विधानसभा का गठन, ठीक है, क्या डालना है, नई विधानसभा का गठन। तो 1 अक्टूबर 1791, कब की बात कर रहा है, 1 अक्टूबर 1791 को फ्रांस की नई विधानसभा का गठन ही नहीं होता, बैठक भी होती है, ठीक है। 1 अक्टूबर 1791 को फ्रांस की जो नई विधानसभा थी, इस नई विधानसभा की क्या होती है, बैठक शुरू होती है, इसका अधिवेशन जो होता है वो शुरू होता है। अब इसमें क्या हुआ, सभी लोगों को संविधान की शपथ लेने की बात बोली जाती है, लेकिन कुछ पादरी वर्गों के द्वारा उस संविधान की शपथ लेने से क्या कर दिया जाता है, इनकार कर दिया जाता है, ठीक है। सभी ने संविधान की शपथ ली, सभी ने संविधान की शपथ ली, लेकिन कुछ पादरियों ने शपथ लेने से इनकार कर दिया। क्या किया, कुछ पादरी वर्ग ने जो शपथ है उस शपथ लेने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, और उन्होंने कहा कि हम इसकी शपथ जो है वो नहीं लेंगे। और क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाता है, और इसी विद्रोह के साथ क्या होता है, गृह युद्ध शुरू हो जाता है, और गृह युद्ध से एक प्रकार की पुनः फ्रांस के अंदर क्या जाती है, अव्यवस्था फैल जाती है, अशांति फैल जाती है, ठीक है। तो सभी संवैधानिक चीज़ों की शपथ ले रहे थे, लेकिन कुछ पादरियों ने क्या किया, शपथ लेने से इनकार कर दिया, और इससे विद्रोह दोबारा आरंभ हो गया। क्योंकि जो लोग संविधान की शपथ नहीं ले रहे थे उनके बारे में कहा जा रहा था कि ऐसे लोगों को राष्ट्र में रहने का क्या नहीं है, कोई हक नहीं है। और जब कोई हक नहीं है तो उनके विरुद्ध लोगों ने क्या किया, आक्रमण करने शुरू कर दिए, उनको बदनाम करने के लिए, उनको भगाने के लिए प्रयास जो हैं वो किए जाने लगे, ठीक है। और बहुत सारे जो पादरी वर्ग हैं वो भागकर फ्रांस से कहाँ चले गए, बाहर चले जाते हैं। और फ्रांस से बाहर जाने के बाद 20,000 भगोड़ों की सेना क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। 20,000 भगोड़ों की सेना तैयार हो गई। जो लोग लोग भागकर फ्रांस से गए थे उन्होंने फ्रांस के बाहर 20,000 की सेना जो है वो क्या कर ली, इकट्ठी कर ली। मैंने क्या कहा, 20,000 की जो सेना है वो क्या कर ली, इकट्ठी कर ली, कहाँ पर, फ्रांस के बाहर। अब फ्रांस के बाहर वो लोग सेना को संगठित कर रहे थे, इसके अलावा दूसरे राष्ट्रों की भी मदद ले रहे थे कि कैसे भी करके हमें वापस फ्रांस पर आक्रमण करना है और वहाँ का जो राजा महल में बंदी बना हुआ है उसको पुनः छुड़ाना है और सत्ता पर काबिज कराना है। लेकिन ये सारी बातें जो हैं वो इतनी आसान नहीं थी। इसके अलावा इन भगोड़ों को समर्थन करने वाले राष्ट्रों में एक प्रमुख राष्ट्र जो था वो था ऑस्ट्रिया, और दूसरा जो था जिसका समर्थक मिल रहा था वो था प्रशिया। ये सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जनता को समर्थन कर रहे थे, इन भगोड़ों को समर्थन कर रहे थे, ठीक है। तो ये सीधे प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन उनके लिए सामग्री, उनके लिए औजार, उनके लिए हथियार उपलब्ध करा रहे थे
ठीक, तो फ्रांस के 20,000 भगोड़ी सेना फ्रांस के बाहर पहुंच जाती है और इन जो भागी हुई सेना थी इनको ऑस्ट्रिया और पर्सिया जैसे राष्ट्र जो थे वो क्या दे रहे थे, समर्थन दे रहे थे। यहां तक क्लियर? आप देखिए इसके बाद जो फ्रांस की जो विधानसभा है, ये जो फ्रांस की जो विधानसभा है, इस विधानसभा के द्वारा स्टेटमेंट निकाला जाता है और ये कहा जाता है ये जो भगोड़े लोगों की सेना है ये या तो देश लौट आए, या तो लौट आए, अन्यथा इनके विरुद्ध क्या की जाएगी, कार्यवाही की जाएगी। कैसी कार्यवाही की जाएगी? देश विरोधी। तो देश विरोधी होने की कार्रवाई जो है ऐसे लोगों के खिलाफ की जाएगी जिन्होंने फ्रांस के विरुद्ध सेना क्या की है, संगठित की है, क्या की है, संगठित की है। तो इस प्रकार से क्रांतिकारियों के सामने जो है फ्रांस का नेतृत्व आ जाता है, पूरा फ्रांस इनके विरुद्ध खड़ा हो जाता है। लेकिन ये उस समय इतने सफल नहीं होते, जो इनके इरादे थे वो इतने आसान और इतने सरल नहीं थे कि ये इसे संपूर्ण कर सकें, पूर्ण कर सकें और फ्रांस के अंदर घुसकर ये काम कर सकें। चलिए अब देखो इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। फ्रांस के अंदर क्या होता है, जैकोबिक दल, क्या जैकोबिक दल आपको याद रखना है, जैकोबिक दल का नाम आपको याद रखना है। जैकोबिक दल जो है यह दल फ्रांस की राजनीति में इकट्ठा हो जाता है, खड़ा हो जाता है और जैकोबिक दल आगे बहुत बड़ा रोल निभाने वाला है। तो फ्रांस के अंदर भी छोटे छोटे दल जो थे वो खड़े हो गए और उन दलों में से एक जो दल था वो था जैकोबिक दल। ठीक है, जैकोबिक जो दल के जो लोग थे वो क्या थे, एक प्रकार से जैकोबिक जो दल के लोग थे ये एक प्रकार से बड़े उत्तेजित थे और इन्होंने अपना क्या किया था, विधानसभा की जो पेरिस थी, पेरिस की जो सीट थी उन पर इनका काफी प्रभाव था। तो जैकोबिक दल का विधानसभा पर काफी प्रभाव था, खासकर पेरिस के क्षेत्रों में। इसके अलावा इनके जो प्रतिनिधि हुआ करते थे वो प्रतिनिधि गर्मीले जोशीले भाषण देकर आम जनता को अपने पक्ष में मोड़ लेते थे। क्या करते थे, गर्मीले जोशीले भाषण देकर जनता को अपनी ओर जोड़ लेते थे, क्लियर। तो ये लोग क्या करते थे, गर्मीले जोशीले भाषण देकर जनता को अपनी ओर जोड़ लेते थे। इस कारण से गर्मीले जोशीले भाषण देकर जनता को अपनी ओर जोड़ लेते थे, इस कारण से इनके साथ एक बहुत बड़ा जनसमूह जो है वो क्या होता है, तैयार हो जाता है। इनके पक्ष में खड़ा हो जाता है। तो ये जैकोबिक दल है, आपको इसका नाम मुख्यतः क्या रखना है, याद रखना है, किसका, जैकोबिक दल का। अब देखिए इसके अलावा एक कार्देलिए क्लब भी था, कार्देलिए क्लब भी था। तो दूसरा जो है कार्देलिए क्लब, कौन सा क्लब, कार्देलिए क्लब जो है इसकी बात कर रहे हैं हम। तो कार्देलिए क्लब के जो लोग थे वो काफी उग्र थे और इसका एक अलग ही अस्तित्व जो है वो फ्रांस के क्षेत्रों में था, फ्रांस की जनता पर इसका अलग प्रभाव था और ये जनवादी समूह के समर्थक थे। ये क्या थे, जनवादी विचारधारा के समर्थक थे। इसके साथ ही इसके
साथ ही इन्होंने केंद्रात्मक सत्ता, जो सत्ता होती है ना विकेंद्रीकरण और केंद्रीकरण, तो ये केंद्रीकरण के भी समर्थक थे, केंद्रीकरण के समर्थक। तो ये जो है कार्डे लेवे क्लब, एक हो गया जेको लेवे क्लब, तो ये क्लबों के जो बीच का जो अंतर है वो क्या है, केवल विचारधारा का है। अब दांतो जैसे जो लोग थे इस क्लब के सदस्य थे, दांतो जैसे लोग इस क्लब का हिस्सा थे। दांतो इसका क्या था, इस क्लब का वकील था। कौन, दांतो। अब एक जो वर्ग आता है, ये आता है जीरोंडिन, ठीक है, क्या आता है, जीरोंडिन। कौन सा जीरोंडिन? अभी जो जीरोंडिन जो मत है, ये अक्सर करके उत्तरी पश्चिमी जो हिस्से थे फ्रांस के, वहाँ इनका प्रभाव ज़्यादा था, और ये लोग छोटे एक प्रकार से वामपंथी जो विचारधारा है उस विचारधारा के समर्थक थे। किसके? वामपंथी विचारधारा, किस विचारधारा के समर्थक थे? तो जीरोंडिन जो थे वो वामपंथी विचारधारा के समर्थक थे। आपको ये बात याद रखनी है, तो केवल और केवल इनके अंदर जो विचारधारा है उस विचारधारा का ही क्या है, अंतर है। अब देखिए, कुछ समय के बाद ये जो तीनों विचारधाराएं हैं, इन तीनों विचारधाराओं के लोगों के मध्य में आपसी संघर्ष क्या होता है, शुरू हो जाता है, और ये आपसी संघर्ष जो होता है वो गृह युद्ध का रूप ले लेता है, और गृह युद्ध के रूप के बाद क्या हो जाती है, गृह युद्ध की शुरुआत हो जाती है। कैसे होती है, किस दल की क्या व्यू थे, क्या पॉइंट थे, वो आप देखिए। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, बाकी हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब होता क्या है, कुछ समय के बाद जो भगोड़ों की सेना ऑस्ट्रिया ने उसको शरण दे रखा था, उसके विरुद्ध फ्रांस क्या करता है, युद्ध की घोषणा कर देता है, और फ्रांस आक्रमण कर देता है। तो लिखना है फ्रांस की युद्ध की घोषणा, किसकी, फ्रांस की युद्ध की घोषणा 20 अप्रैल 1792 को। कब? 20 अप्रैल 1792 यानी कि 92। तो फ्रांस के द्वारा क्या किया गया, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी गई। कारण मैंने आप लोगों को बता दिया कि ऑस्ट्रिया के द्वारा उनके जो शरणार्थी थे, उनके इनके फ्रांस के जो भगेड़े लोग थे, इन्होंने बाहर जाकर क्या किया, एक सेना का निर्माण कर लिया। ठीक है, अब देखिए इस युद्ध में फ्रांस को क्षति उठानी पड़ती है। फ्रांस को क्या उठानी पड़ती है, काफी क्षति या काफी नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि कारण बहुत बड़े थे। एक कारण यह था कि देश के अंदर जो देश है वो कई दलों में विभाजित था, दूसरा यह था कि फ्रांस की जो ऑस्ट्रिया थी, उस ऑस्ट्रिया की सेना में बहुत सारे फ्रांसीसी लोग फ्रांस के विरुद्ध लड़ रहे थे, तो दोनों ओर फ्रांस के लोग थे, इधर भी फ्रांस और इधर भी फ्रांस, इधर ऑस्ट्रिया तो थी लेकिन उसके साथ फ्रांस के लोग भी इस पक्ष से युद्ध लड़ रहे थे। एक देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं जो है वो चल रही थी। आप देखिए इस समय होता क्या है, इस युद्ध के बाद, हुआ क्या था कि जो भीड़ है, उस भीड़ ने सोचा कि ये जो सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, सारे झगड़े हो रहे हैं, वो किसके कारण हो रहे हैं, वो राजा के कारण हो रहे हैं, वो सम्राट के कारण होते हैं। इसीलिए उन्होंने क्या किया, 20 जून और 1772
सॉरी 1792 को राजा के महल पर आक्रमण कर दिया, राजा के महल पर आक्रमण कर दिया, उसी पर आक्रमण कर दिया जिसके अंदर वो बंद था, आक्रमण कर दिया क्योंकि राजा तो उसके अंदर बंद था, तो भीड़ ने क्या किया उसके ऊपर दावा बोल दिया। लेकिन राजा की सिक्योरिटी में 20,000 से ज़्यादा सैनिक नियुक्त थे, 20,000 सैनिक जो थे वो राजा की सुरक्षा कर रहे थे भले ही राजा अंदर बंद था, क्योंकि विधानसभा ने पूरी व्यवस्था की थी 20,000 सैनिक सुरक्षा में लगे थे, सुरक्षा में लगे थे। ये आक्रमण बहुत तेजी से होता है क्योंकि भीड़ जो होती है उसका कोई स्वरूप नहीं होता, किधर से क्या मारे कोई पता नहीं। इसमें बहुत सारे सैनिक जो हैं इस आक्रमण में मारे जाते हैं, लेकिन राजा को जैसे तैसे करके क्या किया जाता है, बचा लिया जाता है। क्या किया जाता है, बचा लिया जाता है। आप देखिए होता क्या है, होता क्या है, कुछ समय के बाद ये युद्ध चल रहा था इसमें कौन शामिल हो जाता है, प्रिसिया भी शामिल हो जाता है, प्रिसिया भी शामिल हो जाता है। और इस प्रिसिया ने क्या किया, प्रिसिया का सेनापति जो होता है, प्रिसिया के सेनापति ने क्या किया, प्रिसिया के सेनापति ने आदेश निकाल दिया, प्रिसिया के सेनापति ने आदेश निकाल दिया, आदेश ये निकाल दिया कि फ्रांस के लोग या फ्रांस की जो नई विधानसभा है वो क्या करे, वो ये करे कि या तो राजा को छोड़ दे, या तो राजा को स्वतंत्र कर दे, या तो राजा को स्वतंत्र कर दे, अन्यथा पूरे फ्रांस को, अन्यथा पूरे फ्रांस को धूल में मिला दिया जाएगा। ठीक है, धूल में मिला दिया जाएगा। अब ये स्टेटमेंट दिया गया था प्रिसिया के सेनापति के द्वारा, तो इससे जो फ्रांस की जो जनता होती है वो फ्रांस की जनता काफ़ी उत्तेजित हो जाती है, इससे जो फ्रांस की जो जनता होती है वो फ्रांस की जनता काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती है, उत्तेजित हो जाती है। याद रखोगे ना बात ये कि फ्रांस की जो जनता होती है ये फ्रांस की जनता काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है और बोलते हैं राजा हमारा है, राजा हमारा है, हमने बंदी करा रखा है, प्रिसिया बीच में कहाँ से आ गया। तो उनको लगा कि ये लोग क्या हैं, सारे के सारे लोग मिले हुए हैं, और भीड़ क्या होती है फिर बेकाबू हो जाती है। इस भीड़ ने क्या किया, राजमहल पर दावा बोल दिया, राजमहल पर दावा बोल दिया, और राजमहल पर दावा बोल दिया। इस बार भी राजा को बचा लिया गया, लेकिन 800 से ज़्यादा सैनिक मारे गए, 800 से ज़्यादा सैनिक जो हैं वो मारे जाते हैं, 800 से ज़्यादा सैनिक मारे गए। ठीक है, राजा को तो बचा लिया गया वापस से, लेकिन इस बार 800 से ज़्यादा जो सैनिक हैं जो फ्रांस की जनता के इस भयंकर आक्रमण में क्या हुए हैं, मारे जाते हैं। और जब ये मारे जाते हैं तो उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद से फ्रांस के अंदर राजा की ऊपर उंगलियां उठने लग गई, और कई हजार लोग यानी कि लगभग 5,000 से ज़्यादा, 5,000 से ज़्यादा भीड़ के लोग मारे गए, भीड़ के लोग मारे गए यानी कि फ्रांस की जनता मारी गई। तो इधर सैनिक भी मारे गए, फ्रांस के लोग भी मारे गए, 5,000 से ज़्यादा इधर 800 सैनिक मारे गए। तो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, विवाद हो जाता है, और राजा की सुरक्षा को लेकर जो चिंता जाहिर की जा रही थी वो चिंताएं काफ़ी ज़्यादा फैल जाती हैं, क्योंकि आम जनता जिसकी विरोधी हो गई उसे कैसे बचाया जा सकता है। ठीक है, आम जनता जिसकी विरोधी हो गई उसे कैसे बचाया जा सकता है। अब देखो, अब होता क्या है, अब इसको उतार लिया आप लोगों ने, वहां पर बहुत मार काट और जो व्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा बेकार फैल जाती है, और इस व्यवस्था को जो विधानसभा है वो अच्छे से हैंडल जो है वो नहीं कर पा रही थी। इसीलिए अभी जो मैंने आप लोगों को दलों के नाम बताए, उन दलों में से
उन दलों में से जो जैकेबिन लोग थे, कौन से? जैकेबिन। इन जैकेबिन लोगों की क्या थी? विधानसभा में प्रधानता थी। जैकेबिन लोगों की विधानसभा में प्रधानता थी। अब जैकेबिन लोगों की विधानसभा के अंदर प्रधानता थी, इनका उसके अंदर बोलबाला था और इसी में से था, किसकी बात कर रहा हूं मैं, और इसी में से था जिसको बोलते हैं कम्यून का शासन। किसका शासन? कम्यून का शासन बोलते हैं। किसको बोला जाता है? कम्यून का शासन बोला जाता है, कम्यून का शासन। कम्यून का शासन जो होता है, जिस समय यह घटना घटित हुई थी उसमें जो मारकाट हुई थी उसके लिए इसी दल को क्या, जो उस समय जो कार्यकारिणी थी उस कार्यकारिणी को क्या ठहराया गया था? जिम्मेदार ठहराया गया था। क्या फैलाया गया था? जिम्मेदार ठहराया गया था। अब देखो, इस समिति के अंदर जो कम्यून है ये क्रांतिकारी था, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। इसने जो राजा के समर्थक हैं उनको क्या किया? जेल के अंदर बंद कर दिया। जो समिति थी उसमें कम्यून था, इसने राजा के समर्थकों को जेल के अंदर बंद कर दिया। और इसके द्वारा क्या किया गया था? इसके द्वारा जो प्रेस थी, प्रेस बोलते हैं समाचार जो पत्र थे, जो पत्रिकाएं थीं, उनके ऊपर पाबंदी लगा दी। प्रेस के ऊपर पाबंदी लगा दी, ठीक है, रोक लगा दी। प्रेस के ऊपर क्या लगा दी? प्रेस के ऊपर पाबंदी लगा दी, प्रेस के ऊपर रोक लगा दी। और जो लोग शत्रुओं के साथ थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया। शत्रुओं के साथ जो लोग थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से शत्रुओं के साथ जो लोग थे उनको क्या किया गया? उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। क्या उतार दिया जाता है? मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इसमें लगभग 1200 लोग जो हैं उनको मौत के घाट उतारा गया था। इनकी जो संख्या है वो तकरीबन 1200 है। और आप लोग सोच सकते हो 1200 लोगों को ऐसे ही मार देना तो फिर कैसे संभव है। चलिए अब देखो आगे क्या होता है। तीसरा सम्मेलन बुलाया गया। किसका? क्या बोलते थे इसको? इसको बोलते थे कन्वेंशन। किस नाम से जाना जाता था? कन्वेंशन के नाम से जाना जाता था। तीसरे सम्मेलन की हम बात कर रहे हैं। इसकी बैठक होती है 20 सितंबर 1792 को। इसकी जो बैठक है वो कब होती है? 20 सितंबर 1792 को इस तीसरी कन्वेंशन की बैठक होती है। और इसमें दोबारा से सभी को क्या किया जाता है? आमंत्रित किया जाता है, उनको बुलाया जाता है। और सबने क्या कहा था कि एक शासन एक देश एक गणराज्य की बात जो है इस मीटिंग में उठती है, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि ये जो व्यवस्था चल रही है, ये जो शासन चल रहा है, ये शासन क्या है? हमारे ऊपर एक धब्बे के समान है, हमारी व्यवस्था के लिए काला धन है। और लोगों ने उस जो मीटिंग के जो सदस्य थे उन्होंने इस की जो व्यवस्था थी, इसकी जो कम्यून का जो शासन था इसका क्या किया था? भारी विरोध किया था, ठीक है। अब इस विवाद के बीच में होता क्या है? यह होता है कि राजा की मृत्यु को लेकर के अभियोग चलाया जाता है। राजा की मृत्यु को लेकर अभियोग चलाया जाता है। अब इसमें से जितने सदस्य थे उनकी वोटिंग कराई जाती है, 387 और 321, ठीक है। इसमें ये जो वोट है ये राजा के वध के संबंध में आती है कि राजा को फांसी पर चढ़ा दिया जाए,
और ये जो बोट है वो मना करते हैं कि नहीं नहीं राजा को फांसी जो है वो नहीं देनी चाहिए, उसको जो मृत्युदंड है वो नहीं देना चाहिए। लेकिन वहाँ अलग अलग विचारधारा के लोग जो हैं वो मौजूद थे, ठीक है, अलग अलग विचारधारा के जो लोग हैं वो मौजूद थे। ये 334 है, ठीक है, 334। तो जो टोटल वोटिंग थी सात सौ इक्कीस में से 387 राजा के विपक्ष में आए और 334 जो वोटे हैं वो राजा के पक्ष में आते हैं। तो इस प्रकार से इस वोटिंग के आधार पर जो राजा है वो क्या होता है, उसके लिए आदेश निकला कि इसको क्या किया जाए, फांसी पर चढ़ा दिया जाए। और इसके बाद 21 जनवरी 1793 को, कब की बात कर रहे हैं हम, 21 जनवरी 1793 को राजा को सूली पर चढ़ा दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। कब? 21 जनवरी 1793 को। और जैसे ही राजा की हत्या की जाती है तो एक बार फिर फ्रांस के अंदर जो विद्रोह की जो लपटें हैं वो क्या होती हैं, उठने लगती हैं। और ये जो विद्रोह है वो पूरे फ्रांस में फैल जाता है। कुछ राजा के समर्थक, कुछ उसके सामंत, कुछ उसके अनुयायी और कुछ अलग अलग विचारधारा के लोग आपस में क्या होते हैं, लड़ाई करने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो जैकोबिन का नेता होता है वो इस संघर्ष में क्या होता है, मारा जाता है, ठीक है, और कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद फिर एक नए संविधान बनाने की जो मांग है वो फ्रांस के अंदर उठती है। राजा की मृत्यु हो गई और कुछ जैकोबिन दल के जो नेता हैं वो भी संघर्ष में मारे जाते हैं और कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि वही एक दल था जिसने सर्वाधिक इस वोटिंग में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। अब देखिए, एक बार फिर नए संविधान की मांग उठती है, नए संविधान की मांग उठती है। और 1793 को नया संविधान बनकर आ जाता है या बनकर तैयार हो जाता है। कब हो जाता है? 1793 में कहां का? फ्रांस का, क्लियर। अब इसका जब नया संविधान बनकर सामने आ जाता है तो इस नए संविधान में विकेंद्रीकरण की क्या की गई थी, व्यवस्था की गई थी, इनकी सत्ता का विभाजन इसमें क्या था, विकेंद्रीकरण था, जिसका मतलब होता है सत्ता का विभिन्न स्तरों पर विभाजन। जिसका मतलब क्या था, सत्ता का विभिन्न स्तरों पर विभाजन, यानी कि केंद्रीकरण में सत्ता का एक जगह पर केंद्रीकरण होता है और विकेंद्रीकरण में क्या होता है, उसका विभाजन हो जाता है। अब देखिए, इसके बाद लूट खरोट जो होती है वो फ्रांस में शुरू हो जाती है, सत्ता का सही से संचालन जो है वो नहीं हो पाता और सत्ता जो है वो नियमित रूप से संचालित नहीं हो पाती और फ्रांस में आतंक का क्या हो जाता है, राज हो जाता है, ठीक है, भले ही नए संविधान का जो निर्माण है वो कर दिया गया था। इस प्रकार से फ्रांस के अंदर 10 अगस्त 1792 से ही दो सरकारें चल रही थी, ठीक है। एक जो है उसको बोलते थे कम्प्यून की सरकार या उसको बोलते थे पेरिस की सरकार, और एक जो सरकार थी वो विधान सभा वाली सरकार थी जिसको बोलते थे फ्रांस की सरकार अस्तित्व में थी। तो कुछ लोग जो है वो कम्प्यून की सरकार या फिर पेरिस की जो सरकार थी इसका समर्थन करते थे, इसके नियम कायदों को मानते थे, और दूसरी जो विधानसभा जो मेन सरकार है जिसको बोलते थे फ्रांस की सरकार, इस सरकार के नियम कायदों को मानते थे। इसलिए इनका टकराव होना क्या था, निश्चित था, क्योंकि एक राष्ट्र के अंदर दो सरकारें कभी भी नहीं चल सकती। अब देखिए, जब ये बहुत बड़ी स्थिति इसकी बन जाती है, उसके बाद जन रक्षा समिति जो है उसने कुछ प्रयास किए दोनों सरकारों के बीच में संबंध स्थापित करने के। इसने क्या किया,
इनमें एक जो नाम आता है वो आता है रोबेस्पियर। रोबेस्पियर किसका नाम आता है? रोबेस्पियर का नाम आता है। और जो रोबेस्पियर है ये जनरक्षा जो समिति थी उस जनरक्षा समिति का क्या था? सदस्य था। और जनरक्षा समिति के सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों में से ये एक था। और ये चाहता था कि इन दोनों सरकारों का क्या हो जाए? मिलन हो जाए। और इसके मिलन से एक मजबूत और स्थिर सरकार जो है वो चले, ताकि ये सरकारें किसके लिए फ़ायदेमंद हों? फ्रांस के लिए फ़ायदेमंद हों। और इस प्रकार से कुछ समय के बाद उस कन्वेंशन की जो सरकार थी, उस कन्वेंशन की सरकार के अंदर क्या थे? उस कन्वेंशन की सरकार के अंदर क्या थे? जो उग्रवादी विचारधारा के थे, जो उग्रवादी जो विचारधारा है उस विचारधारा के जो थे, उनमें से गिलोटिन, उसमें से क्या किया? गिलोटिन। और उसके बाद दांतो और उसके जो साथी होते हैं उनको क्या किया? मौत के घाट उतार दिया गया। किन किन की बात कर रहा हूँ मैं? एक होता है गिलोटिन, एक होता है दांतो। तो इनको क्या किया गया? इनको मौत के घाट उतार दिया गया। और उन्होंने इस पूरे सिस्टम को हिंसा के द्वारा कुचलने का प्रयास किया। और उसके बाद जो रोबेस्पियर होता है, इस रोबेस्पियर का इस पूरे दल पर, इस पूरे संगठन पर क्या हो जाता है? एक प्रकार से कब्जा हो जाता है, ठीक है। और इसने कुछ समय तक शासन करने का प्रयास किया था, यानी कि 5 अप्रैल 1794 से लेके और 27 जुलाई के मध्य में, ठीक है। किसने? रोबेस्पियर ने 5 अप्रैल 1794 से लेके, यानी कि अप्रैल से लेके और जुलाई के मध्य में इसने क्या करने का प्रयास किया था? शासन चलाने का प्रयास किया था। लेकिन ये इतना सफल जो है वो नहीं हो पाया था, क्योंकि जो व्यवस्था थी वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी व्यवस्था जो है वो चल रही थी। अब इसके बाद क्या किया गया? इसके बाद फिर एक और संविधान की फ्रांस के अंदर क्या होती है? मांग उठती है। और ये कहा जाता है कि एक और संविधान जो है वो निर्मित किया जाए। इसी के लिए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक और संविधान की मांग उठती है। संविधान की मांग उठती है और 1795 में नया संविधान बनता है। क्या बनता है? 1795 में एक नया संविधान और बनता है और नए संविधान को फ्रांस में लागू कर दिया गया। फ्रांस में लागू किया गया, ठीक है। नए संविधान को क्या किया गया? फ्रांस में लागू कर दिया गया। इस प्रकार से 1795 का भी एक संविधान बनकर तैयार हो गया। अब कुछ समय के बाद जो शासन सत्ता है वो शासन सत्ता किसके हाथ में चली जाती है? डायरेक्टरी के शासन सत्ता हाथ में चली जाती है। जो डायरेक्टरी है, यानी कि एक प्रकार से शासन सत्ता संचालन करने का जो समूह है, उसको क्या बोलते थे? डायरेक्टरी बोलते थे। इसमें बहुत सारे सदस्य होते थे, जैसे हमारे यहाँ पर ज्यूरिकली सिस्टम होता है ना, उसमें 3-4 लोग शामिल होते हैं, वो जजमेंट देते हैं, कमेटी बनाते हैं। तो बिल्कुल ऐसी ही स्थिति आती है डायरेक्टरी शासन। किसकी बात कर रहा हूं मैं? डायरेक्टरी शासन की कर रहा हूं। और डायरेक्टरी शासन के द्वारा 1795 से लेके और 1799 तक क्या किया जाता है? शासन किया जाता है। 1795 से और 1799 तक डायरेक्टरी के द्वारा क्या किया जाता है? शासन किया जाता है। और इसकी डायरेक्टरी के अंदर बहुत सारे लोग क्या थे? इनमें शामिल थे। लेकिन डायरेक्टरी के जो लोग थे वो भी क्या थे? भ्रष्ट थे। और ये लोग भी बेईमान थे। ये क्या थे? भ्रष्ट और बेईमान थे। और ये लोग अपने कार्यों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते थे। लेकिन बाद में इस डायरेक्टरी के शासन को किसने समाप्त कर दिया? इस डायरेक्टरी के शासन को नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने समाप्त कर दिया। किसने समाप्त कर दिया? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा
समाप्त कर दिया जाता है और नेपोलियन बोनापार्ट जो होता है वो किस में आ जाता है, सत्ता में आ जाता है। अब यहाँ से क्या होता है, नेपोलियन बोनापार्ट के शासन सत्ता पर अधिकार करने के बाद इसके क्या परिणाम निकल कर आते हैं, इस क्रांति के ये परिणाम निकल कर आते हैं कि फ्रांस के अंदर शांति की स्थापना हो जाती है, फ्रांस के अंदर नया संविधान बन के आता है, फ्रांस के अंदर स्थायी शासन व्यवस्था की स्थापना हो जाती है, फ्रांस के अंदर एक नई राज्य शक्ति का उदय होता है, फ्रांस में एक गणतंत्रात्मक और स्थिर सरकार का गठन होता है, फ्रांस के अंदर जो विकास है, जो शांति है वो निकल कर आती है और फ्रांस का एक बड़ी यूरोपीय क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उदय होता है। ये इस फ्रांस की क्रांति के लास्ट के मुख्य कारणों में शामिल हैं। फ्रांस में जो खूनी संघर्ष चल रहा था उस खूनी संघर्ष और अस्थिर सरकारों के दौर से निजात मिलती है। हर समय नए नए संविधान बनाए जा रहे थे, जो पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और साधारण वर्ग का जो संघर्ष था उस संघर्ष पर भी रोक लग जाती है और जो लोग राष्ट्र छोड़कर बाहर ऑस्ट्रिया के क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे थे उनको, उनसे भी नेपोलियन बोनापार्ट निपट लेता है कूटनीतिक तरीकों से। तो ये इस क्रांति का लास्ट लेक्चर था और इसके बाद ये लेक्चर ख़त्म होता है और इसके बाद शुरू होता है नेपोलियन बोनापार्ट। तो आप लोगों की कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।